विजय माल्या को जैसे ही लगा कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में अब कोई रुकावट नहीं होगी और उसको गिरफ्तार करके भारत ले जाया जाएगा, उसके पेट में दर्द होने लगा। तभी तो उसने भारत वापस आने के लिए बड़ी अजीब शर्त रख दी है। माल्या को भारतीय जेल के अंदर चाहिए वेस्टर्न टॉयलेट। माल्या को जेल के अंदर वेस्टर्न टॉयलेट चाहिए और मोदी सरकार ने उसकी मांग मानने का फैसला भी किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर दिए आवेदन पर आश्वासन दिया है कि अगर वो वापस आता है तो उसे प्राइवेट वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। विजय माल्या को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखने का प्रस्ताव दिया गया है। भारत सरकार की ओर से ब्रिटिश क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के लिए उपस्थित बैरिस्टर मार्क समर्स ने कहा कि भारत सरकार इन आश्वासनों का मान रखेगी। विजय माल्या के लिए 5 अलग अलग वेस्टर्न टॉयलेट की तस्वीरें भी उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। विजय माल्या ने कुछ दिन पहले ही भारतीय जेलों की खराब स्थिति का हवाला देते हुए लंदन में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद लंदन की अदालत ने भारत सरकार से उस भारतीय जेल का वीडियो भेजने के लिए कहा था। भारत सरकार की ओर से कहा गया कि माल्या को जेल में भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर अलग साफ कंपाउंड में रखा जाएगा। सुनवाई के दौरान लंदन की अदालत ने भारत से उस जेल का एक वीडियो भी देने को कहा है जहां प्रत्यर्पण के बाद माल्या को रखने की योजना है। गौरतलब है कि विजय माल्या ने लंदन कोर्ट में ये दलील दी थी कि आर्थर रोड जेल में रोशनी नहीं आती और वहां कई बार मानवाधिकारों का उल्लंघन भी होता है। इसी वजह से लंदन कोर्ट ने इस जेल का वीडियो मांगा है, वो भी दोपहर में शूट किया गया ताकि पता लगे कि रोशनी आ रही है या नहीं। जो टीम भारत से लंदन गई है उसने कोर्ट को यकीन दिलाया है कि वो वीडियो 3 हफ्ते में कोर्ट के अंदर पेश कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए भारत तक, और दाहिने कोने में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।